कमान था भगवान, भगवान जो कॉल जाता ना भगवान मेरा ले लिया। पुलिस मूक बधिर हो गया है, प्रशासन एकदम चुप्पी साधे हुए है। अभी तो 23-24 दिन हो गए, अभी तो कोई रिहाई नहीं हुआ है, कोई प्रक्रिया नहीं किया है। क्या पता प्रशासन का बहुत गलती है, कहीं ना कहीं तो प्रशासन पैसा खाया होगा। एक महीना हो गया कोई गिरफ्तार नहीं पकड़ाया है। दिनेश मुखिया का शव यात्रा और भारी संख्या में जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और लोगों के मन में एक गुस्सा भी है प्रशासन को लेकर, सिस्टम को लेकर, और जो अब तक जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी न हुई है उसको लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। भारी संख्या में जो शव यात्रा में जो लोग हैं वो निकले हैं और पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। पुलिस के प्रति अभी भी गुस्सा है, पीछे से पूछिए। पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा है, और जो लोग हैं उनके साथ, उनके शुभचिंतक, उनके मानने वाले लोग, वो यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। दिनेश मुखिया के शव यात्रा में हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनके शव यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए हैं, और लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है कि अब तक जो है मुख्य आरोपी अब तक फरार है, आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस से उम्मीद है आप लोगों को? कोई उम्मीद नहीं है, पुलिस मूक बधिर हो गया है, प्रशासन एकदम चुप्पी साधे हुए है। भारी संख्या में पुलिस बस इसी तरह ड्यूटी निभा रहा है। ये लोग है, पुलिस से उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, नहीं कोई उम्मीद। क्यों पुलिस? अभी तो 23-24 दिन हो गए, अभी तो कोई रिहाई नहीं हुआ है, कोई प्रक्रिया नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी अभी तक होना चाहिए नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ अभी तक। आखिर क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं धरा पा रहा? क्या पता प्रशासन का बहुत गलती है, प्रशासन कहीं ना कहीं तो प्रशासन पैसा खाया हुआ है। प्रशासन पैसा खाया है? प्रशासन कहती है कि भाई अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, करता तो हाजिर ना हो जाता। अब रोज हो गया ऐसे पकड़ा, एक महीना हो गया जी, एक महीना हो गया कोई गिरफ्तार नहीं पकड़ाया है। कैसे थे ये? बनी बहुत बहुत अच्छा, भगवान था वो। आम लोगों के लिए क्या करते थे? बहुत भगवान था, भगवान था, भगवान भगवान जो कॉल जाता ना भगवान मेरा ले लिया। ये हम और भी लोगों से जो पोस्टर लेकर चल रहे हैं लोग उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि लोगों में एक गुस्सा जो है वो इस हत्याकांड को लेकर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 31 तारीख को यह घटना हुई और उसके बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, और राजधानी पटना जुलाई के महीने के आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो 30 दिन में 30 मर्डर, औसतन हर रोज एक मर्डर हो रहा है। इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है कि भाई राजधानी पटना जब सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर क्या लोगों से उम्मीद किया जाए। लोग गाड़ियों पर बैठकर, देखिए पोस्टर भी हाथ में लिए हुए हैं, नीलेश मुखिया हत्याकांड मूक अभियुक्त को फांसी दो, फांसी दो, और इस नारे के साथ, इस गुस्से के साथ जो लोग हैं वो इस यात्रा में निकले हैं, और हजारों की संख्या में नीलेश मुखिया के शव के पीछे पीछे जो लोग हैं वो चल रहे हैं, और पूरा इलाका मानो बंद हो गया है। पूरी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से, जो लोग दूर दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी, चूँकि जो जिस इलाके से ये शव यात्रा गुजर रहा है वो इलाका पूरी तरह से बंद हो जा रहा है। ये भीड़ है और ये इस बात का प्रमाण भी है, चूँकि जुलाई के महीने का आंकड़ा लोगों के जहन में बार बार आ रहा है कि 30 दिन में 30 मर्डर, यानी कि औसतन हर रोज़ एक मर्डर, कानून व्यवस्था के फेलुअर को लेकर एक बड़ा प्रमाण जो है वो हो सकता है। दिल्ली रेफर किया गया और दिल्ली में उनकी मौत हो गई, और देखिए काफ़ी आक्रोश है लोगों में, यह आक्रोश सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, और लोग नीलेश मुखिया के न्याय के लिए सरकों पुत्र हैं, चूँकि उनका जुलूस है, उनका अर्थी जो है वो यहाँ से निकल रहा है, और लोगों में एक खौफ, एक गुस्सा जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो यहाँ पे है, और लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं, और कई जो बच्चे भी हैं वो भी हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, और लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो इस हत्याकांड को लेकर देखने को मिल रहा है। चूँकि पटना का सबसे चर्चित हत्याकांड, और इसको लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे, चूँकि पुलिस के हाथ अभी भी पूरी तरह से खाली है। लोग पूछ रहे थे कि भाई जो मुख्य आरोपी है जिनका नाम पूरे हत्याकांड में लिया गया उनकी गिरफ्तारी कब होगी, वो अभी भी फरार है, और जिस महीने में वो महीने के अंतिम तारीख की जब हत्या हुई तो उस महीने में राजधानी पटना में 30 दिन में 30 मर्डर हुए, यानी कि औसतन हर रोज़ एक मर्डर जो है वो राजधानी पटना में होता रहा है, और इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है।